हैं कि फिर वायरल हो रहे विनाशकारी तूफान के वीडियो की पड़ताल। मौसम विभाग के निदेशक ने कहा, घबराने की नहीं है जरूरत। आगामी दिनों में गोरखपुर सहित आसपास के जिलों में नहीं आने वाली है कोई प्राकृतिक आपदा। योगी सरकार ने शिक्षा माफियाओं पर कसी नकेल, बंद होगा शिक्षा का व्यापारीकरण। कमिश्नर अनिल कुमार ने की बैठक, ज्वाइंट डायरेक्टर ने दी नई गाइडलाइन के बारे में जानकारी। अध्यादेश वर्तमान सत्र से ही लागू। तेजी से प्रगति पर है फर्टिलाइजर निर्माण का कार्य, चल रहा है बकायदा फाइलिंग का काम। गोरखपुर न्यूज की एक्सक्लूसिव खबर। नगर निगम बोर्ड बैठकों में पार्षदों ने जमकर किया हंगामा, महापौर ने बैठकों को बीच में ही किया समाप्त। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक, अभियान चलाकर भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि आवंटित करने के दिए निर्देश। पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्त हुआ गिरफ्तार, लूट के 74,000 नकदी सहित एक देसी तमंचा और एक मोटरसाइकिल बरामद, एसपी साउथ ने किया खुलासा। जिलाधिकारी के विजयेंद्रन पांडेयन की अध्यक्षता में संपन्न हुई शांति व्यवस्था और अभियोजन समिति की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। वार्ड की समस्याओं को लेकर चकसा हुसैन के नागरिकों ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर किया विरोध प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। राज्य चीनी निगम लिमिटेड के एमडी ने पिपराइज चीनी मिल परियोजना का किया स्थलीय निरीक्षण, दिया परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा कराने का निर्देश। और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यातायात नियमों के बारे में लोगों को किया गया जागरूक।